प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व फिर से इस देश को मिले, यही आने वाले लोकसभा चुनावों का प्रमुख मुद्दा होगा। हमीरपुर के गौतम कॉलेज में हमीरपुर भाजपा मंडल की त्रैमासिक आवासीय बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि लोकतंत्र का आधार जहां चुनाव होते हैं, वहीं चुनाव जीतने का आधार कार्यकर्ता की सक्रियता और मुद्दा होता है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के पास सबसे बड़ा मुद्दा 5 सालों में बगैर किसी भ्रष्टाचार के आरोप के सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जबकि पूर्व में यूपीए की सरकार ने 10 वर्ष के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए थे। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सभी लाभार्थियों और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सभी लाभार्थियों को पार्टी की आत्मीयता से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और यही लक्ष्य 2019 के चुनावों में पार्टी को जीत की राह पर ले जाएगा। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां दलित, शोषित, वंचित और गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं, वहीं स्वर्णों को आरक्षण प्रदान कर उन्हें भी राहत पहुंचाई है। अभी 10 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक शिमला में हुई थी, वहां से निर्णय हुआ कि हर मंडल से बैठक होगी। हमीरपुर में आज पहली बैठक थी। पार्टी ने अनेकों कार्यक्रम दिए हैं। पिछले कल 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी, हमने समर्पण दिवस के दौरान मनाया। हर कार्यकर्ता ने 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का योगदान पार्टी के लिए किया है। आज हर प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने घर पे पार्टी का झंडा लगाएगा और एक स्टिकर पार्टी बनाया है, मेरा परिवार भाजपा परिवार। 12 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक कार्यक्रम चलेगा। इसी बीच में 17 फरवरी तक सभी मंडलों के बैठकें हो जाएंगी। 24 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मन की बात होगा। इस बीच में शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक रथ भी, विकास रथ भी चल रहा है, जिसमें केंद्र की योजनाओं का विस्तृत